जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। कैसे बच्चों, कैसी चल रही है एमपीपीएससी प्री की प्रिपरेशन? एमपी कहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? देखो बच्चा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बच्चों मेरा नाम क्या है, मेरा नाम रजत कुमार आचार्य है, मुझे 3 वर्ष का पढ़ाने से अनुभव है, इसके साथ साथ 2 बार यूपीएससी सीडीएस में क्वालिफाई कर चुका हूं। और अगर आप डिस्काउंट दिलाना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज पर, तो आप कौन सा कोड यूज कर सकते हैं, RRMPPSC। भले ही बच्चा आप एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे यूपीएससी की कर लो, चाहे यूपीपीसीएस की कर लो, बच्चा कोड सिर्फ क्या रहेगा हमारा, RRMPPSC। इस कोड के साथ आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें बच्चों, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। बच्चा मध्य प्रदेश जीके का जो पोर्शन होता है बच्चा, जो पार्ट होता है एमपीपीएससी में, वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सर पिछली वर्षों से 35 से 38 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिले हैं एमपीजीके से। तो बच्चा यही पोर्शन आपका स्ट्रांग करवाने के लिए, यही पोर्शन स्ट्रांग करवाने के लिए, बार बार रिविजन करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपके लिए, एमपीजीके के बच्चों एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर। ठीक है, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है रजत रिछारिया सर जी की एमपीजीके की एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट की क्लास में। बच्चा कुछ और क्लासेस हमारी, कुछ और कक्षाएं भी चल रही हैं। कक्षाएं कैसी चल रही हैं बच्चा, सारी क्लासेस सबसे पहले तो याद रखना फ्री है। कुछ क्लास आपको देखने को मिल जाएगी सर यूट्यूब पर, और कुछ देखने को मिल जाएगी अनअकैडमी के ऐप पर। ठीक है, देखो बच्चा अगर ऐप की बात करें तो शाम में ही हमारी क्लासेस होती हैं। शाम के 7 बजे हम बताते हैं बच्चों यूनिट 7 में जो बच्चों को दिक्कत जा रही है उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब साइंस के बच्चा एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस यहां पर होती है। फिर बच्चा 8 बजे हमारी क्लासेस देखने को मिल जाती है आपको, कहां पर, यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाती है। कितने बजे बच्चों कौन सी यूनिट करवाता हूं, 9th यूनिट हमारा वहां पर चल रहा है, आईसीटी चल रहा है, मतलब कंप्यूटर चल रहा है बच्चा, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर हमारा कितने बजे होता है, 8 बजे होता है। ये क्लासेस होती है बच्चों यूट्यूब पर। और फिर बच्चों एक क्लास होती है हमारी 9 बजे, ये हमें देखने को मिल जाती है यूनिट 1 और 3 के ऊपर, मतलब एमपीपीएससी की यूनिट 1 और 3 के ऊपर, मतलब एमपीजीके की क्लास देखने को मिल जाती है बच्चों एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट की। और ये दोनों क्लासेस है ना बच्चों 7 बजे वाली 9 बजे वाली, ये हमें देखने को मिल जाती है अनअकैडमी के ऐप पर, जबकि 8 बजे वाली देखने को मिल जाती है हमें किस पर बच्चों, YouTube के चैनल पर। क्लियर, लेट्स करेक्ट एमपी एग्जाम। अगर हम बात करें तीनों क्लासेस बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी बच्चा अभी अभी तैयारी कर रहा है और जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाह रहा है उसमें पढ़ रखा है, तो वो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक देखने को मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल की अनअकैडमी पर, तो वहां पर मुझको फॉलो कर लीजिएगा। और आपको ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चा, आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे मध्य प्रदेश के। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नया नाम क्या है, सांची का प्राचीन नाम क्या है, नया नाम तो सर सांची हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है बच्चों, सांची का प्राचीन नाम। अब आपके लिए यहां पर मैं दूंगा 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड दूंगा, उसमें आप आंसर करेंगे काकड़ाम, वैत्रावती, वेशनगरी और दसपुर, फटाफट आंसर करेंगे। अगर हम बच्चा देखें सांची का पुराना नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था बच्चों, काकड़ाम था। क्या था, काकड़ाम। पीएससी 2021 का बच्चों ये क्या है, पीवाईक्यू है, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीएससी 2021 का। अगर हम यहां पर बात करें बच्चों सांची, यहां पर सांची दिया गया है, तो सांची बच्चों तुम्हारी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुआ, विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुआ, कौन बताएगा, कब शामिल हुआ यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में बच्चों, सांची हुआ 1989 में शामिल, है ना, 1989 में शामिल। वही बात करें, सांची की खोज किसने करी थी, किसने करी थी, जेम्स टेलर। तो टेलर ने बच्चों सांची को खोजा था, ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चा, कोई भी
कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं आनी चाहिए, टेलर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्लियर। फिर बच्चा अगर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कितनी साइटों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के तहत क्या दिया गया है बच्चों, स्थान दिया गया, तो तीन साइट हो जाती है बच्चों। सबसे पहली आ जाती है खजुराहो के मंदिर, यह हमें देखने को मिलते बच्चों 1986 में। फिर हमने देखा दूसरा अभी हम पढ़कर आए सांची, सांची कब आया था बच्चों 1989 में आया था। देन हम देखते हैं बच्चों क्या भीम बैठिका, भीम बैठिका ये कब हुई थी बच्चों शामिल, 2003 में शामिल होती, क्लियर। अगर हम बच्चों याद करने का तरीका मैंने बताया था भीम बैठिका को कैसे याद रखेंगे, भीम में दो शब्द हैं बैठिका में तीन शब्द हैं, तो बीच में आप दो जीरो लगा लेना, 2003 याद रख सकते हैं। फिर पूछा जाता है बच्चों खजुराहो की खोज किसने करी थी, तो टीएस बर्ड जी ने करी थी। वही अगर बच्चों पूछा जाए आपसे कि भीम बैठिका की खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी सर, विष्णु वाकलकर साहब ने, विष्णु वाकलकर साहब ने। बच्चा इसको भी याद रखने का तरीका मैंने आपको बता देता हूं कि भीम बैठिका जो है, भीम अगर बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, भीम बहुत भारी भरकम इंसान, बहुत ताकतवर इंसान अगर बैठा हुआ है तो उसको उठाने के लिए कौन आएगा, एक नॉर्मल इंसान थोड़ी उठा सकता है उनको, उनको उठाने के लिए साक्षात विष्णु भगवान को आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्या, विष्णु वाकलकर, क्लियर, क्लियर चीजें क्लियर हुई। और क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था कि सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था बच्चों, कांकराम था, क्लियर। चलो अब बच्चा यहां पर पूछा जाता है, यहां पर और भी ऑप्शन दिए हैं सर, और भी ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, वैत्रावती या बेशनगर, किसका प्राचीन नाम था बच्चों, ये हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों विदिशा के, किसके देखने को मिल जाते हैं बच्चों, विदिशा के प्राचीन नाम देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें बच्चों यहां पर दशपुर दिया हुआ है, ये किसका प्राचीन नाम था, दशपुर था बच्चों आपका प्राचीन नाम किसका, मंदसौर का, किसका प्राचीन नाम था बच्चों दशपुर, मंदसौर का। तो इसी तरीके से बच्चा हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से खोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, ये यहां पर दिया हुआ है। आप अगर बच्चा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में रजत RICHHARYA रिचारिया अन अकेडमी, ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच सकते हैं, वहां पर आप देखिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तुरंत ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, यहां से आप पढ़ सकते हैं बच्चों। यहां पर हमने क्या दिया है, कांकराम सांची का प्राचीन नाम है, दसपुर किसका है बच्चों, मंदसौर का, पांचालगढ़ किसका है, पचमढ़ी का, और तुंडीगढ़ किसका है, दमोह का, क्लियर। तो ये कुछ प्राचीन नाम इनने दिए हुए हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं, सुमेलित कौन से हैं, ये चीज यहां पर पूछी जा रही है, मतलब यहां पर दिया हुआ है शादियाबाद मुरैना, मयूरवन मांडू, दिलीप नगर दतिया, और भेलसा या भेलनगर विदिशा। इसमें पूछा रहा है कौन से सुमेलित हैं, आपके पास ऑप्शन है, केवल एक सुमेलित है सर इसमें, केवल एक और दो सुमेलित हैं, केवल तीन और केवल तीन और चार, फटाफट बच्चा इसका आंसर करेंगे, ठीक है, फटाफट बच्चा इसका आंसर करेंगे, कौन कौन से सुमेलित हैं। तो बच्चा 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करो, कमेंट बॉक्स में बच्चा सब लोग आंसर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन से सुमेलित हैं बच्चों, दिलीप नगर किसको बोलते हैं, दतिया को बोलते हैं, प्राचीन नाम दतिया का है, और भेलसा किसका है सर, विदिशा का है, भेलसा किसका है, विदिशा का है। बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्यों गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्यों गलत हो गया सर, क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें बच्चा शादियावन किसका नाम था, शादियाबाद किसका नाम था, यह था बच्चों मांडू का नाम, और जबकि मयूरवन की बात करें, मयूरवन किसका था सर, मुरैना का नाम था, किसका नाम था, मुरैना का नाम। बच्चों अभी अभी 2023 में मुरैना की गजक को क्या दिया गया बच्चों, जीआई टैग दिया गया है, क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। बच्चा अगर मांडू, यहां पर आइए आप बात करते हैं मांडू, मांडू में यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला पूछा जाता है, देखो पहला पूछा जाता है मांडू में,
मांडू में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने रखी? मांडू में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने रखी? मुस्लिम राज्य की नींव किसने रखी? तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका होशंग शाह। होशंग शाह मांडू में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने रखी थी? बच्चों होशंग शाह ने रखी थी। याद रखना इनका नाम तो था अल्प खां, है ना, इनका ओरिजिनल नाम था बच्चों अल्प खां, और ये किसकी उपाधि के साथ बैठे थे राजगद्दी पर? होशंग शाह की उपाधि के साथ ही राजगद्दी पर बैठे थे। एक ये क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है बच्चों मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने रखी? मालवा में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन ये भी बच्चों बार बार एग्जाम्स में हमें देखने को मिला है। ये कौन था बच्चों? ये था आपका कौन? दिलावर खां गौरी। दिलावर खां गौरी, याद रखना बच्चों दिलावर खां गौरी का ही पुत्र कौन था? होशंग शाह था या अल्प खां था। अगर बात करें बच्चों दिलावर खां गौरी ने ही क्या नाम दिया था मांडू को? शादियाबाद नाम दिया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। और शादियाबाद नाम देकर क्या रखा था बच्चों? राजधानी धार लेके गया था। क्लियर? क्लियर चीजें क्लियर हुई? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। यहां पर हमने होशंग शाह की बात करी। किसकी बात? होशंग शाह। तो होशंग शाह के बच्चों एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आजकल बन सकता है क्या बच्चों? इसका मकबरा किसने बनवाया? मकबरा किसने बनवाया होशंग शाह का? तो बच्चों होशंग शाह का मकबरा बनवाया आपके किसने? यहां पर बनवाया आपके महमूद शाह खिलजी ने। महमूद शाह खिलजी, महमूद शाह खिलजी ने बनवाया आपका होशंग शाह का मकबरा। अगर हम बच्चों कहें यह क्या है बच्चों? सफेद संगमरमर का पहला उदाहरण देखने को मिल जाता है। सफेद संगमरमर बच्चों याद रखना इसी को देखकर क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था, है ना। शाहजहां ने इसी को देखकर क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ये चीज आप याद रख सकते हैं। जब बच्चा मांडू घूमने जाओ तो आप वहां पर देख सकते हैं ये सारी चीजें, वहां पर देख सकते हैं आप सारी चीजें। क्लियर? चीजें क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। ये सारा दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। शादियाबाद मांडू हो गया, मयूरवर मुरैना हो गया, दिलीप नगर दतिया हो गया, भेलसा विदिशा हो गया। क्लियर? मांडू का पुराना नाम क्या है? अभी अभी हमने इस चीज को आगे करा है, अभी हम भी हम यहां पर कर आए हैं। तो एक बार 30 सेकंड आपको दे रहा हूं आंसर करना। पहला अनूप, दूसरा मयूरवन, तीसरा शादियाबाद, चौथा अगलपुर। आंसर करना फटाफट। मांडू का पुराना नाम क्या था? बच्चों थोड़ा सा अपन क्वेश्चन कर लो, आप सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद एक बार देख लेते हैं मांडू की हिस्ट्री के बारे में। जो महल बार बार पूछे जाते हैं वो चीज अपन यहां पर देख लेते हैं, है ना। महल जो बार बार पूछे जाते हैं वो चीज यहां पर अपन देख लेते हैं। चल आपका समय समाप्ति की घोषणा हुई। बच्चों मांडू का पुराना नाम क्या था? ये था बच्चों शादियाबाद। क्या था बच्चों? शादियाबाद मांडू का पुराना नाम था। अब यहां पर क्या पूछा जाता है बच्चों? यहां पर पूछा जाता है जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? मांडू में बच्चा जहाज महल जो है उसका निर्माण किसने करवाया? तो जहाज महल का निर्माण करवाया था बच्चों ग्यासुद्दीन खिलजी ने। ग्यासुद्दीन खिलजी जी ने जहाज महल का निर्माण करवाया था मांडू में। फिर बच्चों एक और चीज पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है बच्चों? बाज बहादुर व रानी रूपमती महल। बाज बहादुर व रानी रूपमती महल किसने बनवाया? रानी रूपमती महल किसने बनवाया? एक चीज ये पूछी जाती है। तो किसने बनवाया बच्चों? ये बनवाया था आपका नसरुद्दीन शाह ने। नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था, याद रखना। ये दोनों चीज आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा अपन बात करते हैं, अब बच्चा बात करते हैं, यहां पर आपने नाम सुना होगा महमूद खिलजी जी का। किसका बच्चों? महमूद खिलजी का नाम सुना होगा, महमूद खिलजी। अभी हम थोड़ी देर पहले इनकी जिक्र कर रहे थे। अगर हम बात करें बच्चों महमूद खिलजी ने क्या बनवाया था बच्चों? चंदेरी का नाम सुना है आपको, अशोकनगर के अंतर्गत आता है अशोकनगर,
बिल्कुल सर, सुना है। तो चंदेरी अशोकनगर में बच्चों महमूद खिलजी ने क्या बनवाया था? कौशक महल बनवाया था, कौशक महल बनवाया था। याद रखना बच्चा, कौशक महल कहां पर है? चंदेरी अशोकनगर में है। ये भी पूछा जा सकता है किसने बनवाया था? तो बच्चों महमूद खिलजी ने बनवाया था। इनके लिए एक और फैक्ट हम याद रख सकते हैं बच्चों, भोजशाला जो राजा भोज ने बनवाई थी बच्चों, भोजशाला के भीतर है ना, भोजशाला जो राजा भोज ने बनवाई थी, भोजशाला के भीतर इन्हें क्या बनवाया था बच्चों? मौलाना कमालुद्दीन का मकबरा बनवाया था इन्हें, कमालुद्दीन का मकबरा बनवाया था। ये चीज आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। भोजशाला के भीतर मौलाना कमालुद्दीन जी का मकबरा किसने बनवाया था? महमूद खिलजी जी ने बनवाया था। इन्हीं ने बच्चों क्या करवाया था, मांडू में बच्चों सत्यखंडी मीनार बनवाई थी। कौन सी बच्चों? सत्यखंडी मीनार बनवाई थी। तो महमूद खिलजी के बारे में आप याद रख सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया, जहाज महल किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी। फिर मैंने आपको क्या बताया, बाज बहादुर व रानी रूपमती महल नसरुद्दीन शाह ने बनवाया। महमूद खिलजी ने चंदेरी में कौशक महल बनवाया। भोजशाला के भीतर कमालुद्दीन मौलाना कमालुद्दीन जी का मकबरा बनवाया। और मांडू में सतकंडी मीनार का क्या करवाया बच्चों? निर्माण करवाया। क्लियर? क्लियर? चलो बढ़िया, चलो बढ़िया है ना। और महमूद खिलजी का याद रखना, मांडू में खिलजी वंश की नींव इसी ने डाली थी, मांडू में खिलजी वंश की नींव इसी ने डाली थी, महमूद खिलजी ने। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा, उससे पहले हम देख लेते हैं यहां पर क्या चल रहा है बच्चों। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट देखने को मिल रहा है बच्चों 20%। अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पर यह देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बच्चा, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी में, ठीक है, अगर एमपीपीएससी के लिए आप ले रहे हैं तो आपको पे कितना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा 14,519 रुपए आप पे करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे, कोड क्या रहेगा बच्चों? RRMPPSC, RRMPPSC जैसे ही आप कोड यूज करेंगे, ठीक है, आपको तुरंत ही क्या देखने को मिल जाएगा, ये प्राइस डाउन होते हुए दिख जाएगा। और 36 कितना देखने को मिल जाएगा, कितना आप सेव कर सकते हैं? 36,000 सेव कर सकते हैं सर, ठीक है। इतना सारी चीजें आप सेव कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सर 12 महीने के लिए, आपको 12,000 पे करना पड़ेगा। लास्ट में अगर आप कोड डाल देंगे 10,199 में या 119 रुपए में आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ये कब तक चल रहा है? ये ऑफर है बच्चों अप्रैल 10 तक। क्लियर? चलो अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर अभी एमपीपीएससी के लिए गुरुकुल बैच अभी तक, अभी जस्ट हमने उसको लॉन्च करा है। आप याद रखना, गुरुकुल बैच में आपको एमपीपीएससी प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर दिया जाएगा। एमपीपीएससी प्री में सर सीसेट के लिए भी यहां पर तैयार किया जाएगा आपको, और बच्चों मेन एग्जाम के लिए भी तैयार किया जाएगा। तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं इस बैच को। आगे हम देखें बच्चों, प्राइसिंग प्लान क्या हो गया है बच्चों। 3 महीने में सर 10% ऑफ हमें देखने को मिल जाता है। ये आपको कुछ प्राइस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। 24 महीने का 18,149 रुपए है, लेकिन 16,334 रुपए देखने को मिल जाएगा। चलिए अगर हम बात करें बच्चों, अगर हमने यहां पर क्या लॉन्च कर दिया है, हमने लॉन्च कर दिया है अनअकैडमी स्टोर। अनअकैडमी स्टोर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग बैचेस जो स्पेशल टीचर्स के माध्यम से अलग अलग कोर्स चलाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक कक्षा के बाद कंप्लीट नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके से आप आपका सिलेबस भी खत्म कर सकते हैं। कोड कौन सा हो जाएगा बच्चा? कोड हो जाएगा RRMPPSC। RRMPPSC कोड के साथ ही आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा हर एक कोर्स पर। चलिए यहां पर बैच चल रहा है बच्चों, 3 बैच हमें देखने को मिल रहा है अप्रैल में। कौन कौन से सर? विजयपद चल रहा है। विजयपद कब से स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ बच्चों। जिद जिद 30 दिन का मैराथन प्रैक्टिस बैच होगा, ये अप्रैल 13 से स्टार्ट होगा। और जीत कंप्लीट बैच और एमपी पुलिस एसआई कांस्टेबल, ये बच्चों अप्रैल 2023 से हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो आप एनरोल कर सकते हैं इन सारी चीजों को। बेनिफिट क्या है बच्चों सब्सक्रिप्शन के? बेनिफिट ये होगा कि आप कहीं से भी आपके फेवरेट टीचर की लाइव क्लास देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आप देख सकते हैं, डिफरेंट बैचेस कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्जाम आपको देखने को मिल जाता है, डाउट आप आस्क कर सकते हैं, पोल कमेंट क्विज कर सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड कर देख सकते हैं बच्चों, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप सारे एजुकेटर को पढ़ सकते हैं। चलो यहां पर बच्चों बात करें, हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। यहां पर आप बच्चों हमेशा याद रखना, क्वेश्चन करने से पहले आप याद रखेंगे ये नहीं
है दिया है या है दिया है। कई बच्चे जब बच्चों एग्जाम में बैठते हैं तो वो इन चीजों को ध्यान नहीं दे पाते और आकर बोलते हैं दो क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए सर, दो क्वेश्चन तो सर हमारे ऐसे ही गलत हो गए। तो आप इस चीज को याद रखेंगे बच्चों, यहां पर आप गोला लगा लेंगे क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, आप आराम से इसको राउंड कर सकते हैं, है ना। अंडरलाइन कर लेना क्या दिया है बच्चों, नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बुरहानपुर का नाम प्राचीन नाम खानदेश था क्या, एरन का क्या था सर स्वप्नभोग था क्या, स्वप्नभोग नगर शिवपुरी का सर तुंडीकर था, और कटनी का क्या था सर मुंडवारा था। बच्चों 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। चलो बच्चों आपका समय समाप्त होता है, अभी बच्चा हम देख कर आए, अभी क्या देखा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था क्या तुंडीकर किसका प्राचीन नाम था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बताया था कि नहीं, बिल्कुल सर पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस करा था किसका प्राचीन नाम था तुंडीकर, दमोह का। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी देखने को मिल जाएगा, क्लियर। आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, सी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें बच्चों बुरहानपुर का प्राचीन नाम क्या है सर, खानदेश है। एरन का क्या देखने को मिल जाता है, शौभोग नगर देखने को मिल जाता है एरन का। शिवपुरी का क्या देखने को मिल जाता है सर, शिवपुरी का बच्चों प्राचीन नाम है अनलपुर। क्या नाम बच्चा, अनलपुर नाम है शिवपुरी का। और कटनी का बच्चों दिया गया है मुंडवारा, कटनी का प्राचीन नाम क्या दिया है, मुंडवारा दिया गया है। और यहां पर आपको ऑप्शंस में और देखने को मिल जाएंगे जब आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या दिया है बच्चों, मंधाता दिया गया है। ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था मानधाता टापू, है ना, प्रीवियस पीवाईक्यू है एमपीपीएससी का, मानधाता टापू कहां है, ओमकारेश्वर कौन से टापू पर अवस्थित है, ऐसी कुछ बात करी गई थी सर। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडवारा किसका प्राचीन नाम है, तो जबलपुर कटनी रीवा मंडला, फटाफट आंसर कर दो, 30 सेकंड आपके पास है। मुडवारा किसका प्राचीन नाम है, देखो बच्चों यहां पर देखने को मिल जाता है मुंडवारा में, अभी आपको पता कराया पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, किसका प्राचीन नाम देखने को मिल जाता है, कटनी का प्राचीन नाम देखने को मिल जाता है, क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस क्या करता हूं बच्चों, लिख कर देता हूं मेरी क्लासेस में, तो वही ट्रेंड मैं यहां पर भी फॉलो कर रहा हूं, क्लियर, वही ट्रेंड मैं यहां पर भी फॉलो कर रहा हूं। आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन है बच्चा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता मतलब सीहोर क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था, कुल मिला के ये पूछा गया है, ठीक है। सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके पास ऑप्शन है बच्चा, भीमा नायक थे क्या, दूसरा आपके पास ऑप्शन है बच्चों, शंकर शाह थे क्या, तीसरा आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको सर, कुंवर चैन से थे क्या, कुंवर चैन सेन जी थे। फिर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बच्चों, राजा ठाकुर प्रसाद जी थे क्या। आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करो। 1857 की क्रांति के सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता आपसे पूछा जा रहा है, कौन थे बच्चा सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता, ये हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों, कौन ये देखने को मिल जाते हैं, कुंवर चैनसेन जी, कौन देखने को मिल जाते हैं, कुंवर चैनसेन जी कौन थे, सीहोर क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता थे। याद रखना इनको मध्य प्रदेश का पहला शहीद कहा जाता है, मध्य प्रदेश का पहला
शहीद कहा जाता है कुंवर चैन सिंह जी को, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे अभी आपको बताया बच्चों, सीहोर क्षेत्र से संबंधित थे। अगर कहा जाए बच्चों सीहोर के दशहरा मैदान में ही इनकी समाधि अवस्थित है, सीहोर के दशहरा मैदान में ही इसकी इनकी क्या है सर, समाधि देखने को मिल जाती है। क्लियर, तो आप याद रखेंगे इनको। फिर सर आपने और भी तो ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन दिया है सर भीमा नायक, तो भीमा नायक कहां से थे सर, ये लड़े थे बच्चों मंडलेश्वर, मंडलेश्वर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, भीमा नायक ने किया था बच्चों। शंकर शाह तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने देखा होगा शंकर शाह ने कहां से कराया बच्चों, विद्रोह का नेतृत्व गढ़ा मंडला से करा है, कहां से कराया बच्चों, गढ़ा मंडला से कहा करा है। वही राजा ठाकुर प्रसाद ने कहां से अपन विद्रोह का क्या करा था, लीड करा था राघवगढ़ से, है ना, राघवगढ़ से इनने क्या करा था बच्चों, लीड करा था। चलो यहां पर बच्चों सारे ही देख लेते हैं अपन फटाफट, सारे ही देख लेते हैं एक बार कि कौन से क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता थे। तैयार है, तैयार है, चलो आराम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें बच्चों कुंवर चैन सिंह कहां से थे, सीहोर से थे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी बच्चों, ये हमें देखने को मिल जाती है कहां से बच्चों, झांसी से भी विद्रोह ने किया था और कालपी से भी किया था, ठीक है। फिर हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों, फिर मैं आपसे अगर पूछूं तात्या टोपे, तात्या टोपे जी ने कहां कहां से विद्रोह देखने को मिला था, इन्हें कहां से नेतृत्व करा था विद्रोह का, तो कानपुर से करा था बच्चों, कानपुर, झांसी और बच्चा ग्वालियर। याद रखना तात्या टोपे जी के जो साथ वाले लोग थे, मतलब एक मित्र ने ही दगा दे दिया था, उनको फांसी कहां दे दी गई थी, तात्या टोपे जी को फांसी दे दी गई थी बच्चों शिवपुरी में, कहां पर, शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी, याद रखना। अगले अगर हम विद्रोह की बात करें बच्चों, भीमा नायक मैंने आपको बताया, मंडलेश्वर, शंकर शाह गढ़ा मंडला, बच्चों नारायण सेन भी आजकल पूछे जा सकते हैं, नारायण सेन ने कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करा, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों रायपुर, ठीक है। फिर अब बच्चों पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है आपका रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई जी ने, अवंतीबाई जी ने कहां से विद्रोह करा था बच्चों, विद्रोह का नेतृत्व करा था अवंतीबाई जी ने रामगढ़ रियासत, है ना, रामगढ़ रियासत बिल्कुल। अगर हम बात करें बच्चा, फिर आ जाता है शहादत खान जी, शहादत खान इनने कहां से विद्रोह का नेतृत्व करा था बच्चों, महू से करा था, और इनकी समाधि कहां देखने को मिल जाती है, इंदौर में देखने को मिल जाती है। क्लियर, एमपीपीएससी के हेडक्वार्टर के आसपास ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें बच्चों, देखो दो तीन और आप बहुत अच्छे से याद रखना, एक आप याद रख सकते हैं बच्चों श्री बहादुर से और देवी से, श्री बहादुर से हैं और बच्चा देवी से, इन्होंने कहां से विद्रोह करा था, इन्होंने बच्चा विद्रोह करा था आपका, इन्होंने बच्चा विद्रोह करा था कहां से, मंडला से, बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। फिर बच्चा हो जाता है क्या, शेख रमजान, शेख रमजान जी ने कहां से विद्रोह करा था, इनने विद्रोह करा था बच्चों सागर से, क्लियर। और एक और हमें देखने को मिल जाता है क्या, टाटिया भील, टाटिया भील ने कहां से विद्रोह करा था, इन्होंने बच्चा विद्रोह करा था खरगोन से, क्लियर क्लियर। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कहां से किसने विद्रोह करा था, कि सर कहां से किसने विद्रोह करा था, आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की बात करें, आ जाओ फटाफट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभी हम इसकी बात कर चुके हैं, मुझे फटाफट इसका आंसर चाहिए कि भीम बैठिका को किसने खोजा, भीम बैठिका को किसने खोजा, डॉक्टर एच डी सांखलिया जी ने खोजा, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने खोजा, डॉक्टर विष्णु वाकर जी ने खोजा, या डॉक्टर राजबली पांडे जी ने खोजा, फटाफट आंसर करेंगे, 30 सेकंड आपके पास है। ये बच्चों किसने खोजा था भीम बैठिका को, भीम बैठिका को बच्चों खोजा था, मैंने आपको बताया सर भीम अगर बैठे हुए हैं तो भीम को उठाने की हिम्मत कोई भगवान ही करेंगे, तो भगवान कौन से हो जाएंगे बच्चों, विष्णु वाकरकर जी,
विष्णु वाकरकर जी हो जाएंगे। अगर हम बात करें भीम बेटिका को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया भीम दो शब्द है, बेटिका में तीन शब्द है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दो और तीन बीच में डबल जीरो लगा लेना। कब करा था बच्चों, 2003 में शामिल किया गया था। क्लियर क्लियर। ये अगर बात करें बच्चों भीम बेटिका कौन से जिले के अंतर्गत आता है, जिला आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से जिले के अंतर्गत आ जाता है बच्चों, रायसेन जिले के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। रायसेन जिले में बच्चों दो यूनेस्को साइट हमें देखने को मिल जाती हैं, एक देखने को मिल जाती है सर भीम बैठिका और एक और देखने को मिल जाती है बच्चों सांची। क्लियर। रायसेन में ही हमने क्या देखा था, पहला बच्चों तितली पार्क देखा था, पहला तितली पार्क देखा था कि नहीं, बिल्कुल सर यहीं पर हमें पहला तितली पार्क देखने को मिला था, कहां पर, रायसेन में। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, याद रखना तहसील भी याद आप याद रख सकते हैं अब्दुल्लागंज, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है और कौन से काल के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं, पुरापाषाण काल के साक्ष्य यहां पर देखने को मिले हैं, कहां पर बच्चों, भीम बैठिका पर। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन है कि भीम बैठिका की खोज किस वर्ष की गई, 1947, 1952, 1957 और 1967, फटाफट आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे, कब करी गई भीम बैठिका की खोज, 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करो। कब करी गई भीम बैठिका की खोज, फटाफट आंसर करना। कब करी गई बच्चा भीम बैठिका की खोज करी गई आपकी, फटाफट आंसर कर दो, ये करी गई बच्चों हमारी 1957, मतलब सी आपका आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर के अनुसार मतलब भीम बैठिका की खोज किसने करी थी बच्चों, अभी हम बताकर आए हैं, विष्णु वाकरकर जी ने करी थी। कब करी थी, 1957 में करी थी। कब करी थी बच्चा, 1957 में करी थी। मैंने आपको जिले का नाम बताया भीम बैठिका कौन से जिले के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, ये जिले देखने को मिल जाता है बच्चों रायसेन के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत देखने को मिल जाता है भीम बैठिका, रायसेन जिले के अंतर्गत बच्चा हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर, चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चा, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्व या आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, एचडी सांकले जी ने खोजा था, आरबी जोशी जी ने खोजा था, उपद्रव दौरा ने खोजा था, विष्णु वाकरकर जी ने खोजा था, फटाफट आंसर करो, 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करो फटाफट, किसने खोजा था, नर्मदा घाटी क्षेत्र में खुदाई किसने करवाई थी, ये पूछा जा रहा है, करो फटाफट आंसर, नर्मदा घाटी क्षेत्र में खुदाई किसने करवाई थी। देखो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, एच डी सांकलिया जी ने भी यहां पर क्या करवाया था, खुदाई करवाई थी, और आर बी जोशी जी ने यहां पर क्या करवाई थी बच्चों, खुदाई करवाई थी। क्लियर। बाकी आर्कियोलॉजिस्ट अपन देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अपन वर्णन देख लेते हैं बच्चों रायसेन का, रायसेन का थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं बच्चों, रायसेन में आपने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग की घोड़ी दौड़ाओ और नॉलेज प्राप्त करो, नॉलेज आपको क्या क्या प्राप्त है वो भी मुझे बताओ, रायसेन में आपको क्या क्या याद आता है। जैसे ही आप रायसेन सुनते हो बच्चों, यहां पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, भोजपुर का शिव मंदिर देखने को मिलता है क्या, भोजपुर का शिव मंदिर देखने को मिल जाता है क्या, जिसने राजा भोज ने बसाया था, बिल्कुल सर रायसेन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहीं पर बच्चों देश का पहला, यहीं पर बच्चों देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय देखने को मिल जाता है, शिवलिंग संग्रहालय देखने को मिल जाता है कि नहीं, देखने को मिल जाता है कि नहीं, बिल्कुल सर यहीं पर भोजपुर में ही देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय देखने को मिल जाता है। राजा भोज, अगर बात करें बच्चों कौन से वंश थे, परमार वंशी राजा भोज थे, कौन से वंश थे, परमार वंश थे। फिर हम देखेंगे सर हमें क्या देखने को मिल जाता है, यहीं पर रायसेन में हमें देखने को मिल जाता है रातापानी अभ्यारण, रातापानी अभ्यारण देखने को मिल जाता है, मिलता है कि नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों रातापानी अभ्यारण की स्थापना कब करी गई, अगर पूछा जाए तो 1976 में करी गई। आगे अपन बात करें यहां पर बच्चों रायसेन का किला पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है बच्चों, रायसेन का किला किसने बनवाया था, रायसेन का किला किसने बनवाया था, तो किला किसने बनवाया था बच्चों फटाफट बताओ, रायसेन का किला किसने बनवाया था,
राजा राज बसंती ने बनवाया था, राजा राज बसंती जी ने रायसेन का किला बनवाया था। क्लियर। यही इसी किले के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, बादल महल देखने को मिल जाते हैं बच्चा, रोहित महल देखने को मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, इसी महल के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रोहित महल हो गया बच्चों, इसी के अंतर्गत हमने क्या देख लिया था बच्चों, यहां पर हम देखेंगे सोमेश्वर मंदिर और जौहर स्थलीय। सोमेश्वर मंदिर भी यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है और जौहर कुंड या जौहर स्थल देखने को मिल जाता है यहीं पर, कहां पर? रायसेन के किले के अंतर्गत। क्लियर क्लियर। फिर बच्चों एक और चीजें पूछी जाती हैं, आपने नाम सुना होगा रजनीश ओशो, रजनीश ओशो जी है ना, रजनीश ओशो का संबंध कौन से जिले से रहा है बच्चों? रायसेन जिले से रहा है। क्लियर, रायसेन जिले से रहा है। और इनका प्राचीन, इनका नाम भी पूछा जाता है, ओरिजिनल नाम क्या था बच्चों? चंद्रमोहन जैन, चंद्रमोहन जैन जी। अगर हम बात करें बच्चों रायसेन की, तो और हमने क्या पढ़ा है रायसेन में बताओ जल्दी से। अभी हम दो रामसर साइट देखकर आए, भीमबेटिका और सांची देखकर आए। फिर हम देखते हैं बच्चों यहां पर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, आप स्टार लगा लीजिए रायसेन के लिए, क्या हो जाता है बच्चों? मध्य प्रदेश का फर्स्ट, एमपी का फर्स्ट सिंचाई टैंक, याद रखना कौन सा था बच्चों? पलकमती सिंचाई टैंक, पलकमती सिंचाई टैंक। ये कहां पर देखने को मिल जाता है? यही देखने को मिल जाता है, पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन में बना कब था बच्चों? 1933 में बना था। क्लियर। वही अगर अपन आगे बात करें बच्चों रायसेन के बारे में, तो देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना आपने देखने को मिल गया, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना यहां पर रायसेन में ही देखने को मिल गया, मिला कि नहीं? क्लियर क्लियर। चलो, तितली पार्क में आपको बता ही चुका हूं रायसेन के बारे में। एक नदी का उद्गम होता है बच्चों रायसेन से, एक नदी का उद्गम होता है रायसेन से, वो तो बच्चों कुमरा गांव, कुमरा गांव रायसेन से किस नदी का उद्गम होता है बच्चों? बेतवा, बेतवा नदी का उद्गम देखने को मिल जाता है कुमरा गांव रायसेन से। क्लियर। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न खोजकर्ता एवं स्थल असंबद्ध है, मतलब कौन सा सही नहीं है, है ना, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। विष्णु वाकर जी भीमबेटिका से संबंधित हैं क्या? आर बी जोशी सांची से संबंधित हैं क्या? एच डी सांकलिया जी नादर टोली से संबंधित हैं, को एच वी त्रिवेदी जी आगरा से संबंधित हैं। फटाफट इसका बच्चे आंसर करेंगे, 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करिए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा आपका आर बी जोशी जी, ये यहां पर बच्चों गलत हो जाएगा, बाकी सही है बच्चा। अगर हम बात करें भीम बैठिका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकर जी ने की थी। एच डी सांकलिया जी ने क्या खोजा था बच्चों? नावदा टोली खोजा था। और एच वी त्रिवेदी जी ने क्या खोला था? आवरा स्थल खोजा था। क्लियर क्लियर। आवरा स्थल है कहां पर, आपसे पूछा सकता है? आवरा जो पुरापाषाणकालीन स्थल है कौन से जिले में देखने को मिल जाता है? यह दिल्ली में देखने को मिल जाता है बच्चों, मंदसौर। सांची का मैंने अभी आपको बताया था, जेम्स टेलर, जेम्स टेलर ने सांची खोजा था। याद आप ऐसे रख सकते हैं कि बच्चा सांची आप घूमने गए और आपकी शर्ट फट गई, तो फट गई अगर शर्ट, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? टेलर के पास जाना पड़ेगा सिलवाने के लिए, जाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सर जाना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चा जाना पड़ेगा। तो आप कहां जाएंगे? टेलर जी के पास जाएंगे। क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, फटाफट यहां पर आइएगा, फटाफट आइएगा। चलो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप आराम से बताइएगा। क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है आपका ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन स्थल डोंगरिया, डोंगरिया किस जिले के अंतर्गत आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? आंसर करना बच्चों, आपके पास ऑप्शन है। ये सर बालाघाट जिले के अंतर्गत आ रहा है क्या? ये शिवनी के अंतर्गत आ रहा है सर,
यह हमें देखने को मिल रहा है सर इंदौर के अंतर्गत देखने को मिल जाता है या बच्चों उज्जैन के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। 30 सेकंड है, आंसर करो। ताम्रपाषाण कालीन स्थल डोंगरिया किस जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है, किस जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है डोंगरिया, फटाफट आंसर करो। बालाघाट, सिवनी, इंदौर या उज्जैन। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाता है कहां पर, बालाघाट। ए बच्चों इसका आंसर सही होगा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल डोंगरिया कहां पर देखने को मिल जाता है, बालाघाट में देखने को मिल जाता है। कुछ और ताम्रपाषाण कालीन स्थल की हम यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और ताम्रपाषाण कालीन स्थल की हम बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ बच्चों यहां पर अपन बात कर लेते हैं, फटाफट आओ। कुछ और ताम्रपाषाण कालीन स्थल की अपन बात करते हैं। यहां पर अगर हम देखें बच्चों, आपने सुना होगा क्या सर, आपने सुना होगा मालवा, मालवा संस्कृति सुना है, मालवा संस्कृति सुना है, ठीक है। संस्कृति हमने देखी मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों नावदा टोली, नावदा टोली, नावदा टोली ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहां है बच्चों, महेश्वर में है। और इसको खोजा किसने था, एचडी शांकलिया जी ने खोजा था। किसने बच्चों खोजा था, एचडी शांकलिया जी ने खोजा था। फिर हम देखते हैं बच्चों कायथा, कायथा, कायथा सबसे पहले तो संस्कृति का नाम है ना, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, कायथा संस्कृति स्थल क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, कायथा कहां पर है, उज्जैन में देखने को मिल जाता है, कहां पर, उज्जैन में देखने को मिल जाता है, क्लियर। चलो फिर बच्चा यहां पर क्या पूछा जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कशरावद कहां पर स्थित है, कशरावद ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहां पर स्थित है, यह हमें देखने को मिल जाता है बच्चों खरगोन में, और यह क्या है बच्चों बौद्ध स्थल है, ठीक है, कशरावद। फिर हम देखते हैं सर नावदा टोली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महेश्वर में, एचडी शांकरिया जी ने खोजा था, बिल्कुल। फिर पूछा जाता है बच्चों डोंगरिया, डोंगरिया मैंने अभी आपको बताया ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहां पर है बच्चों, डोंगरिया, ये हमें देखने को मिल जाता है आपका डोंगरिया, हमें देखने को मिल जाता है बालाघाट में। फिर बच्चा यहां पर पूछा जाता है आपका बेसनगर ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहां पर स्थित है, बेसनगर, तो ये हमें देखने को मिल जाता है बच्चों विदिशा में, एवं खोजा किसने था इसको, खोजा था बच्चों आपके डीबी भंडारकर जी ने, डीबी भंडारकर जी ने इसको खोजा था, क्लियर, क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आप बताइएगा कि खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल नावदा टोली की खोज किसने करी थी, फटाफट मुझे बता दो, अभी हम इसको पढ़ते हुए आए हैं। 30 सेकंड आपके पास है, समय स्टार्ट हो गया है आपका। पहला ऑप्शन है आरबी जोशी, एचडी शांकलिया जी, एचवी त्रिवेदी जी और विष्णु वाकरकर जी। किसने खोजा था नावदा टोली, किसने खोजा था बच्चों नावदा टोली को खोजा था, अभी 30 सेकंड खत्म नहीं हुए, फिर बताते हैं आपको। नावदा टोली को खोजा था बच्चों आपके एचडी शांकलिया जी ने, एचडी शांकलिया जी ने किसको खोजा था बच्चों, नावदा टोली को खोजा था। वही अगर बात करें बच्चों आरबी जोशी जी, आरबी जोशी जी ने किसको खोजा था वो अपन अभी बताएंगे। विष्णु वाकरकर अभी हम देख कर आए बच्चों भीम बैठिका को खोजा था, ठीक है, भीम बैठिका को खोजा था विष्णु वाकरकर जी ने, क्लियर। चलो अब यहां पर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा बच्चों। हथनौरा पुरापाषाण कालीन स्थल, पुरापाषाण कालीन स्थल कहां स्थित है, कहां स्थित है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों। हथनौरा आपके पास ऑप्शन है सर, ये होशंगाबाद के अंतर्गत आ जाता है क्या, या फिर नर्मदापुरम जिसको अभी कहा जा रहा है सर, ये हमें देखने को मिल जाता है इंदौर में सर, ये खरगोन में देखने को मिल जाता है क्या, और डी आपके पास ऑप्शन होता है सर, ये सीहोर में देखने को मिल जाता है। आंसर करना, 30 सेकंड आपके पास है। हथनौरा पुरापाषाण कालीन स्थल कहां स्थित है, होशंगाबाद, इंदौर, खरगोन या सीहोर, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग।
ये बच्चा हमें देखने को मिल जाता है कहां पर, यह हमें देखने को मिल जाता है बच्चों हथनोरा पराभाषणकालीन स्थल देखने को मिल जाता है सीहोर में। कहां पर देखने को मिल जाता है? सीहोर में। अब बच्चा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन हथनोरा की। हथनोरा को बच्चों 1922 के आसपास किसने खोजा था? खोजा था आपके किसने? 1982 लिख लेना, 1982 या 22 के आसपास किसने खोजा था बच्चों? अरुण सोनकिया जी ने खोजा था। किसने? अरुण सोनकिया जी ने खोजा था। किसको? हथनोरा को खोजा था। कौन से जिले के अंतर्गत आ जाता है बच्चों? सीहोर जिले के अंतर्गत आ जाता है। बच्चों याद रखना, यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है, नर्मदा मानव की खोपड़ी कहां प्राप्त हुई है, या उत्खनन के दौरान मानव खोपड़ी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ना, नर्मदा मानव या मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए बच्चों? मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए बच्चों? हथनोरा से ही प्राप्त हुए हैं। आप ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। और बच्चों जो हाथी विलुप्त हो गए ना, प्राचीनतम हाथी का दंत मतलब दांत भी यहां पर हमें देखने को मिला है ना, प्राचीनतम हाथी का दांत भी हमें यहीं पर देखने को मिला है। क्लियर? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैं यहीं पर अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फिर अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाषाण कालीन स्थल भुतरा, क्या बच्चों? भुतरा का संबंध किस जिले से है? का संबंध किस जिले से है? आपसे जिला पूछा जा रहा है बच्चों भुतरा का। आपके पास ऑप्शन है सर, होशंगाबाद, इसी को नर्मदापुरम बोलते हैं बच्चों, भोपाल, जबलपुर, और बच्चों आपके पास ऑप्शन है नरसिंहपुर। 30 सेकंड है, फटाफट आंसर करो। पाषाणकालीन स्थल भुतरा का संबंध किस जिले से है? होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर या नरसिंहपुर? फटाफट आंसर करना। देखो बच्चों, अगर हम देखें पाषाणकालीन स्थल भुतरा का संबंध कौन से जिले से रहा है, ये रहा है बच्चों जिला कौन सा? नरसिंहपुर रहा है। कौन सा जिला रहा है? नरसिंहपुर रहा है। आप बस इस चीज को याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट एक ये क्या है, मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम उपकरण मानव के सबसे प्राचीनतम उपकरण, मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम उपकरण कहां से प्राप्त हुए बच्चों? भुतरा नामक स्थान से ही प्राप्त हुए। ये स्थान कहां पर है बच्चों? नरसिंहपुर में है। ठीक है, तो कुछ मैं आपको साइट्स बता देता हूं बच्चों, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक पूछा जाता है बच्चों आदमगढ़ जो साइट है बच्चों, पराभाषणकालीन स्थल है, कौन से जिले में अवस्थित हो जाता है बच्चों? यह हमें देखने को मिल जाता है नर्मदापुरम में है ना, होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में अवस्थित देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम इसकी बात करें बच्चों, खोजा किसने था इसने? आर बी जोशी जी ने खोजा था आदमगढ़। अगर हम देखें बच्चों आदमगढ़ से रिलेटेड दो फैक्ट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पहला फैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? पहला फैक्ट हो जाएगा यहां पर क्या बताया गया है, मानव संघ कुत्ते को दफनाया गया है। तो बच्चों मानव संघ और कुत्ते को दफनाया गया है, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, यहां पर बताया गया है कि मानव पालतू पशुओं को पालता था, ये यहां पर दिखाया गया है। इसके साक्ष्य मिले हैं मानव पालतू पशुओं को पालता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। क्लियर, इसके साक्ष्य हमें यहां पर देखने को मिले हैं। फिर पूछा जाता है बच्चों यही होशंगाबाद या नर्मदापुरम से रिलेटेड एक पूछा जाता है स्थल महादेव पिपरिया कहां पर है बच्चों? जिला पूछा जाए तो नर्मदापुरम होशंगाबाद लगा देना आप। ठीक है, और याद रखना इसको खोजा था बच्चों एच डी सांकलिया जी ने खोजा था महादेव पिपरिया को। ठीक है, यहां से भी क्या मिले हैं बच्चों? औजार हमें देखने को मिले हैं। क्लियर। चलो फिर बच्चा पूछा जाता है आपसे,
बाघ की गुफाएं, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल में आ जाता है। बाघ की गुफाएं सभी ने पढ़ा होगा बच्चों, कहाँ है बाघ की गुफाएं, हमें देखने को मिल जाती हैं धार, यहां पर देखने का सर मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आ जाता है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। बाघ की गुफाएं पूछी जाती है बच्चों, कौन से धर्म से संबंधित है, ये है बच्चों बुद्ध धर्म से संबंधित। और इसको खोजा किसने था, इसको खोजा था बच्चों डेंजर फील्ड ने, किसने खोजा था, डेंजर फील्ड जी ने बाकी गुफाओं को खोजा था। ये जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद रहे, क्लियर, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहे, आप इसको भूले ना बिल्कुल भी। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख कर दे देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चा, लिखी दंत शैलाश्रय, लिखी दंत्र शैल चित्र किस जिले में पाए गए, किस जिले में अवस्थित हैं या पाए गए। लिखी दंत शैल चित्र की बात हो रही है, आपके पास ऑप्शन है बच्चा मुरैना, बी आपके पास ऑप्शन है बच्चा अशोकनगर, सी आपके पास ऑप्शन है बच्चा छतरपुर और डी आपके पास ऑप्शन है बच्चा कटनी। 30 सेकंड है, आंसर करो। लिखी दंत शैलचित्र किस जिले में अवस्थित है, मुरैना, अशोकनगर, छतरपुर और कटनी, फटाफट आंसर करो, 30 सेकंड आपके पास है। ये क्वेश्चन क्यों दिया गया बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ ही हम सारे शैलचित्र या शैलाश्रय फटाफट देखेंगे, सारे इस क्वेश्चन के बाद कवर करेंगे, एक बार रिवाइज मार लेंगे ना तो अपन आगे के लिए तैयार रहेंगे, अपन आगे के लिए बच्चा तैयार रहेंगे, क्लियर। चल फटाफट इसको बताएं आप आंसर क्या है, तो बच्चा लिखी दंत शैलचित्र किस जिले में अवस्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अशोकनगर में, कहां पर, अशोकनगर में। अगर स्पेसिफिक जगह पूछ लिया जाए तो जगह क्या हो जाएगा बच्चों, चंदेरी, ठीक है, जगह क्या हो जाएगा बच्चों, चंदेरी, और जिला क्या हो जाएगा, अशोकनगर। फिर एक पूछा जाता है बच्चों मुरैना में अवस्थित है क्या, लिखी लिखी छाज शैलाश्रय, लिखी छाज शैलाश्रय कहां पर देखने को मिल जाता है, यह हमें देखने को मिल जाता है मुरैना। इसको याद कैसे रख सकते हैं बच्चों, देखो लिखी दंत मतलब दांत आपकी चांदी जैसे चमक रहे हैं तो चंदेरी हो जाएगा बच्चों, दांत आपके चांदी जैसे चमक रहे हैं तो चंदेरी हो जाएगा, जबकि लिखी छाज शैलाश्रय मतलब छज्जे पे क्या बैठा है, मोर बैठा है, मोर मतलब मुरैना, क्लियर। इस तीक को इस तरीके से याद अपन रख सकते हैं, दांत चांदी जैसे चमक रहे हैं चंदेरी, लिखी दंत चंदेरी हो गया, और लिखी छाज मतलब छज्जे पे क्या बैठा है, मोर बैठा है, मतलब लिखी छाज कहां हो गया, मुरैना हो गया, ठीक है। फिर यहां पर दिया हुआ सर छतरपुर, छतरपुर में क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, छतरपुर में हमें देखने को मिल जाता है दाता शैलचित्र, दाता शैलचित्र देखने को मिल जाता है हमें कहां पर, छतरपुर में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें बच्चों इस पे स्पेसिफिक जगह आपसे पूछ लिया जाए कि दाता शैलचित्र छतरपुर में भी कहां है, तो हमें देखने को मिल जाती है बच्चों बिजावर, क्लियर। ऐसे ही मुरैना में लिखी छाज है, वो स्पेसिफिक जगह पूछ लिया, ये हो जाता है बच्चों पहाड़गढ़, ठीक है। फिर यहां पर दिया है सर कटनी, कटनी में कौन सा शैलाश्रय हमें देखने को मिल जाता है, झिंझरी शैलाश्रय, कौन सा शैलाश्रय बच्चों, झिंझरी शैलाश्रय, यह हमें कहां पर देखने को मिल जाता है, यह हमें देखने को मिल जाता है कटनी में। कुछ और शैलाश्रय की अपन बात कर लेते हैं फटाफट, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हम देखते हैं सर रानी माचा शैलाश्रय, रानी माचा शैलाश्रय ये कहां पर देखने को मिल जाता है बच्चों, यह हमें देखने को मिल जाता है सिंगरौली में, रानी माचा। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर निशानगढ़ कादरी, निशानगढ़ कादरी शैलाश्रय कहां पर देखने को मिल जाता है, यह हमें देखने को मिल जाता है नर्मदापुरम या होशंगाबाद में निशानगढ़ कादरी। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों निशानगढ़ कादरी में सर, फिर हमें यहीं पर क्या देखने को मिल जाता है, वेलकंदार देखने को मिल जाता है नर्मदापुरम या होशंगाबाद में ही। फिर हमें यहीं पर क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, चूर्णागंधी मिल जाता है, चूर्णागंधी शैलाश्रय भी यहीं पर देखने को मिल जाता है बच्चों नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद में देखने को मिल जाता है बच्चों। होशंगाबाद में ही हमें एक और देखने को मिल जाता है हर्रापाल, हर्रापाल शैलाश्रय यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है, कहां पर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में देखने को मिल जाता है, क्लियर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में देखने को मिल जाता है। यहीं पर होशंगाबाद या नर्मदापुरम में एक और शैलाश्रय देखने को मिलता है मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय भी कहां पर देखने को मिल जाता है, नर्मदापुरम या होशंगाबाद में देखने को मिल जाता है, क्लियर।
चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है सक्कर नदी, नर्मदा नदी, मालहा नदी और दूधी नदी। कहां से प्राचीनतम शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? फटाफट आंसर करेंगे, 30 सेकंड आपके पास है। आंसर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों? शक्कर नदी। शक्कर नदी पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं शक्कर नदी में। अगर स्थान पूछा जाए तो बच्चों करेली, ठीक है, नरसिंहपुर में करेली के आसपास क्या देखने को मिले हैं? शक्कर नदी पर प्राचीन शैलचित्र के निशान पाए गए, मतलब शैलचित्र वहां पर पाए गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में यहीं पर आपको दे देता हूं। अगला क्वेश्चन है सोन घाटी उत्खनन किस पुरातत्वविद ने करवाया था? किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविद ने करवाया था? आपके पास ऑप्शन है बच्चा HD सांकलिया जी, आपके पास ऑप्शन है बच्चों निशार अहमद, फिर आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है बच्चों GR शर्मा जी, GR शर्मा जी, फिर हमें एक डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बच्चों प्रोफेसर वाकाकर जी। किसने करवाया था सोन नदी उत्खनन का कार्य? फटाफट आंसर करो, आपके पास 30 सेकंड है। सांकलिया, निशार अहमद, GR शर्मा और प्रोफेसर वाकाकर। ये करवाया था बच्चों किसने? ये करवाया था आपके निशार अहमद जी ने। किसने करवाया था बच्चों? निशार अहमद जी ने करवाया था सोन नदी घाटी उत्खनन का कार्य, ठीक है, निशार अहमद जी। फटाफट अपन देख लेते हैं कौन कौन सी नदी घाटी में किस किसने उत्खनन का कार्य करवाया था, फटाफट आंसर करते हैं बच्चों। नर्मदा घाटी की बात करें, हम नर्मदा घाटी की बात करें तो अभी बच्चा हम देख कर आए किसने करवाया था बच्चों? आर बी जोशी प्लस किसने बच्चों? सांकलिया जी ने, HD सांकलिया जी ने खोजा था, क्लियर। फिर पूछा जाता है बच्चों सोन घाटी ने किसने करवाया था? निशार अहमद जी ने करवाया था। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों चंबल घाटी उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? याद रखेंगे बच्चों चंबल घाटी का प्रोफेसर वाकड़कर जी ने करवाया था, विष्णु वाकड़कर जी ने ही करवाया था चंबल घाटी। और बच्चों रीवा सतना क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? रीवा सतना क्षेत्र में उत्खनन का कार्य करवाया था आपका GR शर्मा। किसने करवाया था बच्चों? GR शर्मा जी ने करवाया था रीवा सतना जिले में उत्खनन का कार्य, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर पूछा जाता है बच्चों मध्यपाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? अभी हमने बात करी थी, अभी इस पर बात करी थी, फटाफट आंसर दे दो, 30 सेकंड आपके स्टार्ट हो रहे हैं। श्री भीमबेटिका, उदयगिरी, एरन और आदमगढ़, फटाफट बताना कहां से प्राप्त हुआ। फटाफट आंसर करना इसका, कहां से प्राप्त हुए हैं? अभी हमने जस्ट बात करी थी बच्चों, बात क्या करी थी, कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं। अगर जिला भी पूछ लिया जाए बच्चों, जिला क्या हो जाएगा आपका? होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद, या इसी को क्या कहा जा रहा है? नर्मदापुरम कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें स्थान क्या हो जाएगा सर, डी आंसर हो जाएगा आपका आदमगढ़। आदमगढ़ खोजा किसने था बच्चों? अभी मैंने बताया था RB जोशी जी ने खोजा था कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। चीनी यात्री हिंसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को उसेन सेन ना के नाम से अपनी पुस्तक में लिखा था? क्या सर? उसे येन ना, सर नगर का नाम पूछा, यह किस नगर का नाम था उसके अनुसार? चाइनीज दे दी है इसमें, मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंदेरी। फटाफट आंसर करना इसका, 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करो। मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंदेरी। हमें देखने को मिल जाता है क्या बच्चों? उज्जैन को इसने क्या कहा है? उज्जैन को कहा है इसने उसे ये ना बच्चों, इसने उज्जैन को कहा है। वही अगर हम देखें बच्चों, इसने खजुराहो को क्या कहा है? चीची टों कहा है। क्या कहा है बच्चों? ची ची
टो कहा है, चीशी टो किसको कहा है, खजुराहो को, और उसेन सेना किसको कहा है, उज्जैन को, ये आप चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चा, यहाँ पर ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़े रहने के लिए। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर अभी हमें ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, कितना देखने को मिल रहा है बच्चों, 20% डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है सारे हमारे कोर्सेस पर। ठीक है, आप कोड कौन सा यूज कर सकते हैं, RRMPPSC बच्चों। यहाँ पर गुरुकुल बैच भी चालू हो गया, आप एनरोल कर सकते हैं गुरुकुल बैच को। फिर हमें देखने को मिल जाता है MPPSC का प्राइसिंग प्लान, एनरोल कर सकते हैं। स्टोर में जाकर आप स्पेसिफिक एजुकेटर के भी कोर्स खरीद सकते हैं और सारी यूनिट आप कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। स्टोर में आपको कौन सा भी बैच लेना है आप ले सकते हैं, कोड यूज करना RRMPPSC। ठीक है, ये बैचेस स्टार्ट हुए बच्चों अप्रैल में, विजयपथ, जिद और जीत, ये तीन बैच चल रहे हैं, तो आप इनको एनरोल कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी के प्लस के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, बहुत बहुत साधुवाद। अगर हम बात करें बच्चा, कल हम फिर इसी समय पर मिलेंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद, जय हिंद।